हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से आप लोगों की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है ईद की, मतलब आज ईद का दूसरा दिन है, यानी बासी ईद है आज। तो यहाँ पर मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी, तो सुबह ही सुबह आए थे, मतलब मेरे छोटे वाले नंदोई, वो आए थे ईद मिलने के लिए। तो फिर वो तो सो गए थे, मैंने दिखाया भी था अभी आपको पीछे, तो वो सो रहे थे। फिर उनके लिए मैं बना रही थी खाना, तो खाना बनाते ही बीच में पता चला कि बीच वाली बाजी भी आ रही हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा और मतलब बढ़ा लिया चिकन वगैरह, तो फिर मैंने ज़्यादा बना लिया क्योंकि उनके साथ में उनकी नंद भी आ रही थी। तो सोचा शाम में कुछ और बना लूँगी, क्योंकि खाना थोड़ा लेट ही बन रहा था, 12:30-1 का टाइम तो हो रहा था। फिर उसके बाद बना मैंने तो सोचा कि जब भी मतलब थोड़ा और फालतू बना लेती हूँ और फिर शाम को कुछ और भी बना लूँगी, तो दो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ कि वो तो आई नहीं, मतलब वो आए थे बहुत लेट, वो आए थे मतलब रात को 8 बज गए थे, तो आने में उनको इतना टाइम हो गया था। तो फिर अभी हो गई है सुबह, तो वो लोग तो आ चुके थे, तो अभी है सुबह। तो सुबह में यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी, तो उनका मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था, क्योंकि फिर हमें जाना था आज फिर मार्केट। मतलब आज ईद का तीसरा दिन है और ये व्लॉग मेरा कई दिन तक कंटिन्यू चलने वाला है, क्योंकि मैंने उसके बाद में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। मेरे तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो तीसरा दिन है ईद का, तो हम लोग निकल गए थे जामा मस्जिद की मार्केट के लिए, और वहाँ गए, वहाँ जाके पता चला कि मार्केट पूरी बंद है। और मतलब बाजी को जाना था, लेकिन चलो कुछ नहीं, मार्केट तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ बच्चों ने अच्छे से इंजॉय कर लिया। आलिया मेरे साथ गई थी और बाजी के साथ अलीजा गई थी, तो हम बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, क्योंकि वहाँ झूला लगे हुए थे बहुत सारे, तो जगह जगह पे झूले लगे हुए थे, तो बच्चों ने वो झूले, क्योंकि हमारी साइड जहाँ पर हम रहते हैं उधर की साइड में ईद का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, सिर्फ ईद वाले दिन भी मतलब इतनी रौनक नहीं होती जितनी वहाँ तीसरे दिन हो रही थी। ईद के तीसरे दिन भी इतनी रौनक थी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के मज़े आ गए, बच्चों की ईद बन गई थी, चलो ये अच्छा था। बाकी तो सब मार्केट के लिए गए थे, तो मार्केट तो हमारी नहीं हो पाई, वैसे मैं मना ही कर रही थी, लेकिन बाजी को बहुत ज़रूरी था जाना, तो इसलिए हम लोग गए थे। तो फिर उसके बाद हम बच्चों को लगने लगी भूख, तो फिर बच्चों को खिलाए हमने वहाँ पे भटूरे, छोले भटूरे खिलाए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बच्चे क्या होता है थक जाते हैं चलते चलते, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अलीजा बोल रही थी, बहुत ही बोल रही थी, कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की वॉइस ले लेती हूँ, और आलिया को देखो कितनी मस्ती कर रहे, मतलब बच्चों के मज़े थे बस। यहाँ ये बाजी खड़ी हुई थी, तो फिर ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाए थे हम लोग, क्योंकि था भी नहीं ज़्यादा कुछ वहाँ पर, और इतने ज़्यादा हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ था, एक तो भीड़ इस कदर थी, मतलब घूमने फिरने वालों की और खाने पीने की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शॉप बाज़ार वैसे नहीं खुली हुई थी, कपड़े वगैरह की तो शॉप बहुत ही दो इक्का दुक्का कोई खुली हुई थी, बाकी वैसे मतलब खाने पीने के लिए तो बहुत भीड़ थी जामा मस्जिद पे भी। तो फिर हम निकल गए थे घर के लिए, तो घर के लिए हमें थोड़ा ऑटो नहीं मिल के दे रहा था, क्योंकि हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी ईद तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी ईद की थकान ख़त्म नहीं हुई है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि कोई वीडियो मैं शूट करूं, कुछ बनाऊं। एक तो पहली बात तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था तो मन कर रहा था बस आराम करूं, सो जाऊं, और किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए। तो फिर आज थर्सडे है, तो मैंने सोचा चलो आज से अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं, नहीं बज चुके हैं 5, हाँ 5 तो बज चुके हैं, तो शाम के 5 बज चुके हैं। और अभी देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पर कितनी थकन थकन हो रही है, क्योंकि सही में मतलब आराम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, इतना सारा अभी ढेर बहुत सारा कपड़ों का पड़ा हुआ है प्रेस करने के लिए, तो उसका मेरा मन नहीं कर रहा करने का, करूँगी लेकिन करूँगी वो भी। और यहाँ देखो ये अभी आ गया सॉरी, इसको उठाऊँगी, तो अभी जाऊँगी किचन में करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो आज खाने में बना रही हूँ चिकन, क्योंकि बाजी आ रही है शाम में, तो सोचा कुछ अलग सा बना लेते हैं, तो इसलिए अलग सा क्या, बस थोड़ा सोचा कुछ नया सा हो, तो इसलिए बना रही हूँ आज बटर चिकन, तो रोस्टेड चिकन कुछ भी आप बोल सकते हो, वो मैं बनाऊँगी। तो अभी पहले करूँगी जाके किचन में उसकी तैयारी, फिर तो उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो आ गई थी फिर मैं किचन में, तो यहाँ मैंने बनाया था ये हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। तो
आ गई थी मैं किचन में और कर लिया मैंने अब सारी तैयारी मैरिनेशन की, चिकन मैरिनेशन की सारी तैयारी कर चुकी हूँ। तो ये मैंने कर लिया तैयार, तो ये मैंने चिकन भी यहाँ धो लिया है और ये भी मैंने पीस लिया है। अदरक सॉरी उसका हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट मैंने बना लिया यहाँ पर, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने वाइट वाली प्याज थोड़ी सी पीसी है। ये है गरम मसाला, और ये है काली मिर्च का पाउडर, और ये है चाट मसाला और नमक। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारी मैरिनेशन में। और हाँ, नींबू, नींबू तो मैं भूल ही गई, और ये नींबू। तो ये सब चीज़ें जाएंगी हमारी मैरिनेशन में। तो चलो करते हैं मैरिनेट चिकन को अपने, और फिर करते हैं इसकी तैयारी, और इसको मैरिनेट करके रख देते हैं फिर एक डेढ़ घंटे के लिए। तो चलिए करते हैं इसको मैरिनेट। और ये देखो आलिया मैडम भी सपोर्ट के आ गए, देखो इसकी हाल कैसी हो रही है, सुस्त हो रही है बिल्कुल, नहा के ऐसी सो गई थी स्कूल से आई, स्कूल से आके नहलाया मैंने इसको, और फिर ये सो गई। बाल बाल कुछ भी नहीं बनाए इसके, क्योंकि अभी ये जाएगी पढ़ने तो अब इसके बाल भी बनाऊंगी। तो पहले ये चिकन का अपना काम कर लेती हूँ उसके बाद में, और पूरी मेरी किचन भी फैली पड़ी है। ये देखो किचन भी मेरी पूरी ऐसी फैली पड़ी है, तो किचन भी सब साफ करूँगी। तो पहले जल्दी से फटाफट कर लेते हैं इसकी तैयारी। तो यहाँ ले लिया मैंने डेढ़ किलो चिकन, तो अब इसमें डालूंगी सबसे पहले भर के चम्मच, दो चम्मच भर के डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दो से ढाई चम्मच, क्योंकि डेढ़ किलो चिकन है। और अब इसमें डालूंगी मैं दो चम्मच भर के चाट मसाला, और अब इसमें डालूंगी मैं ये आधा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि ये एक चम्मच वाला आधा चम्मच है, तो इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, और यही एक चम्मच आधा चम्मच डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए, और डालूंगी इसमें दो चम्मच भर के ये दो से तीन चम्मच हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट, और इसमें डालूंगी ये आधा नींबू, आधा और इसमें डालूंगी नींबू, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के आधा नींबू डालूंगी। इसमें डालूंगी मैं आधा कप दही, तो ये इसमें जाएगी आधा कप, ये मैंने छलनी में डाल दी थी क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं चाहिए, इसका मैंने पूरा पानी दही का निचोड़ लिया था, तो सारा पानी इसका निकल गया था, ये कितना सारा पानी इसका निकल चुका था। तो अब इसको कर लेते हैं मिक्स, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अच्छे से इसका मसाला इसमें, और हाँ एक चम्मच इसमें डालूंगी बटर, तो ये मैंने इसको बटर को पिघला लिया अच्छे से, ये मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच, और इसको कर लेंगे और अच्छे से मिक्स। तो ये मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी, और मैं खुद भी रख के भूल गई थी बटर, तो इसमें ये हमने डाल दिया बटर, और इसको अच्छे से हमने कर लिया मिक्स। तो चलो ये तो हो गया हमारा मैरिनेट, अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो चिकन तो मैरिनेट हो गया ये सारा, अब इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में, तो फ्रिज में इसको रख दूंगी एक डेढ़ घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से इसका सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, फिर ये सिकेगा भी बहुत अच्छे से, और फिर सारी बोटियों में इसका जो टेस्ट आएगा वो अच्छा लगेगा। तो एकदम हो गया बिल्कुल बढ़िया से तैयार, तो बस अब रख देते हैं इसको फ्रिज में, और फिर करते हैं अपनी और तैयारियाँ। इसके लिए मैंने ली थी 250 ग्राम मैंने क्रीम ली थी, और मैंने इसके लिए लिया था 300 ग्राम के करीब ली थी मैंने दही, तो दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ें इतनी ही ली थी। तो इसका दही मैंने हैंड ब्लेंडर से मिक्स, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना होता, क्योंकि ज़्यादा चलाने से क्या होगा, घी निकलना शुरू होगा,
बस इसको हल्का सा चलाना है, मिक्स करना चाहिए हैंड ब्लेंडर से, करना किसी से भी आप कर सकते हैं। और आपके पास की मलाई है, फ्रेश मलाई है, तो आप फ्रेश मलाई ले सकते हैं। तो मैंने ली थी, मैंने क्रीम ली, बाकी फ्रेश मलाई भी वो ही काम करती है। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको रख दिया था फिर साइड में। और दही का बस यही ध्यान रखना कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही इसके लिए नॉर्मल दही जो होता है वही दही होना चाहिए, मतलब जो खट्टा ना मीठा ऐसा हो, नॉर्मल वाला। तो ग्रेवी भी हमने अपनी तैयार करके रख दी थी और मेरा चिकन भी अच्छे से हो चुका था, मैरिनेट होकर मैंने रख दिया था, तो एक डेढ़ घंटा हो चुका था फ्रिज में रखे हुए। तो अब मैं करूँगी इसको सेकने की तैयारी। तो इसके लिए ले लिया था मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया था, नॉनस्टिक आप ले सकते हो, नॉनस्टिक में सबसे अच्छा होता है। तो उसमें मैंने डाल दी थी एक चम्मच, डाल दिया था मैंने एक से डेढ़ चम्मच मक्खन। तो मक्खन डालने के बाद में जब थोड़ा ये हल्का सा गर्म हो गया था, सब चीज़ें तेल और मक्खन दोनों चीज़ हल्की सी गर्म हो गई थी, उसके बाद डाल दी थी मैंने अपने इसमें चिकन के पीसेस। तो चिकन के पीसेस हमें इस तरीके से डालने हैं कि अगर बड़े डालने हैं तो बड़े बड़े ही डालें, अगर छोटे डाल रहे हैं तो छोटे छोटे डालें। तो इससे क्या होगा, इक्वल सिकेंगे वो। तो जब वो, फिर मैंने इनको पहले हाई फ्लेम से फिर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने एक साइड से इसको अच्छे से पका लिया था। तो जब एक साइड से अच्छे से पक गया था तो मतलब ये अच्छे से, मतलब पूरे इन पर डॉट्स आ गए थे, रेड रेड डॉट्स आने के बाद में फिर मैंने इनको पलट दिया था। तो ऐसे अलट पलट करके इनकी बोटियाँ मैंने सेक ली थी। तो इसमें तकरीबन लग गए थे मुझे, एक बार के सेकने में मुझे 20 मिनट के करीब लग गए थे। तो ये लेकिन बहुत अच्छे से सिक गया था और बहुत अच्छे से अंदर से पूरी तरीके से गल चुका था। तो इतने हमारे दूसरी बार का चिकन तैयार होगा, इतने में कर लूँगी। ये जो मैंने ग्रेवी तैयार, ग्रेवी के लिए जो दही और ये मलाई का जो तैयार करके रखा है इसको, तो इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले। तो इसमें मैंने डाला है नमक टेस्ट के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है नमक, क्योंकि बटर में भी नमक है और फिर चिकन में भी अच्छे सा नमक है टेस्ट के हिसाब से, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। तो नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, और काली मिर्च का पाउडर डाला है आधा चम्मच। तो वो तो मेरे हो गया था तैयार। इधर मेरा चिकन भी अच्छे से तैयार हो गया था पूरा, मतलब सारा चिकन मेरा सिक चुका था। तो उसके बाद में मैंने क्या करा था, जब चिकन मैं सेक रही थी तो उसी वक्त मैंने रख दिया था कोयला अपने गैस पे। तो वो ने चिकन मेरा सिकता रहा था तो उसी में ही वो कोयला भी मेरा जलता रहा। तो फिर अपनी क्रीम मैंने इसमें डाल दी थी चिकन में, और क्रीम डालने के बाद फिर मैंने लगाया था इसमें कोयले का धुआँ। तो बस फिर मेरा बटर चिकन हो चुका था तैयार। तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया था फिर बटर पिघला के, तो और चाट मसाला डाल दिया था। तो चिकन, बटर चिकन हो चुका था एकदम तैयार। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और थोड़ा बताने में मेरी गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो खाना भी यहाँ बन चुका था और अब बस बाजी घर का आने का टाइम हो ही रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, बस अब मुझे रोटियाँ बनानी रह गई थी, बाकी खाना मेरा एकदम रेडी हो चुका था। मामी है मेरे पास, एक मामी के पास है।
तो बाजी वगैरह तो सब जा चुके थे, तो अब बज रहे थे रात के 11। और यहाँ मेरी किचन की सफाई वफाई मैंने करी थी, मतलब वो 11 बजे वो लोग गए थे, उसके बाद में मैंने सारी सफाई करी थी यहाँ से। तो आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। अकेले अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और दुआओं में याद रखिए। तो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।